नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए यहां पर 256 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड वन का 103 पोस्ट है, जिसकी अपर एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट पास हो और आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और आपकी सैलरी यहाँ पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 1,900 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। स्टोर कीपर का एक पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,800 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। ड्राइवर का 38 पोस्ट है, जिसकी अपर एज लिमिट 32 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मिडिल स्कूल पास हो और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपकी सैलरी यहाँ पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,400 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। अहलमद का 6 पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी पास हो और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 1,900 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। इलेक्ट्रिकल ओवरसियर का 8 पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,800 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का 11 पोस्ट है, जिसकी अपर एज लिमिट 32 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 4,200 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। वर्कशॉप इंस्पेक्टर का 2 पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने त्रिवर्षीय डिप्लोमा या फिर 10वीं पास प्लस ITI या इक्विवेलेंट कोर्स किया हो और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,800 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। केयर टेकर का 1 पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,800 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री का 17 पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BSc किया हो केमिस्ट्री में और आपकी सैलरी यहाँ पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,400 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन का टोटल 2 पोस्ट है, जिसकी अपर एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BSc किया हो साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच प्लस 2,400 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट HRD क्वालिटी कंट्रोल का 1 पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने BSc किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी या फिर जूलॉजी में और आपकी सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच
प्लस ₹2,400 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स का टोटल 2 पोस्ट है जिसकी अपर एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीएससी फिजिक्स किया हो और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,400 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट का 6 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीएससी किया हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट हो और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,400 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो का 1 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,400 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स का 3 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स मैथ्स या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,800 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन का 2 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,800 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट का 4 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,800 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स का 2 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,800 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का 6 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹5,200 से ₹20,200 के बीच प्लस ₹2,800 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो का 2 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो साइंस में या डिप्लोमा किया हो आपने फोटोग्राफी में और आपकी सैलरी यहां पर ₹9,300 से ₹34,800 के बीच प्लस ₹4,200 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट का 4 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹9,300 से ₹34,800 के बीच प्लस ₹4,200 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बॉटनी का 4 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो जूलॉजी बॉटनी या एंथ्रोपोलॉजी में और आपकी सैलरी यहां पर ₹9,300 से ₹34,800 के बीच प्लस ₹4,200 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स का 3 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स मैथ्स या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹9,300 से ₹34,800 के बीच प्लस ₹4,200 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स का 2 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो फिजिक्स या फॉरेंसिक साइंस में और आपकी सैलरी यहां पर ₹9,300 से ₹34,800 के बीच प्लस ₹4,200 पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा।
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री का 10 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में, और आपकी सैलरी यहाँ पर 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के बीच प्लस 4,200 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाइट डिटेक्शन का एक पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स किया हो साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी में, और आपकी सैलरी यहाँ पर 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के बीच प्लस 4,200 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 14 पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने डिग्री किया हो साइंस में, और आपकी सैलरी यहाँ पर 9,300 रुपये से 34,800 रुपये के बीच प्लस 4,200 रुपये पर मंथ आपका ग्रेड पे होगा। अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पोस्ट के अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस माफ है, और बाकी कैंडिडेट के लिए यह 100 रुपये है जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप होगा आपका 21 जनवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 के बीच। फीस पेमेंट होगा आपका 21 जनवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 के बीच। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप एग्ज़ाम से एक वीक पहले, और एग्ज़ाम का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 1 टीयर एग्ज़ाम, 2 टीयर एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीयर एग्ज़ाम, 2 टीयर एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट की ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।